इस पूरे थिएटर का किराया सिर्फ 10,000 रुपये महीना? 10,000 रुपये में तो यहाँ पूरा गांव किराए पे मिल जाएगा। कभी तो यार। सर, इस एरिया से 4 लाल क्रेनें मिली हैं, चारों सुगना गिलगित के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और जो हमने ब्रिज की रेलिंग से पेंट के स्पेसिमेन लिए थे वो एक क्रेन से सर मैच खाते हैं और उसकी रिपोर्ट इस फाइल में है। वैसे सर वो सुगना गिलगित लोकल्स में नसबंदी के नाम से मशहूर है। नसबंदी? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि वो अपने सारे विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पर चाकू घोप कर उनकी हत्या करता है। मैंने राकेश को काम पर लगा दिया सर, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी जल्दी ही मिल जाएगी। ए छोटू, एक पाया शोरबा, एक तंदूरी चिकन, 2 प्लेट नली कबाब, 1 रान, 1 भेजा फ्राई और कड़क तंदूरी रोटी, जल्दी। बाकी नसबंदी के लिए बोलना प्रताप भैया की तरफ से दावत है क्या? भैया पिछले बार कौन साला प्रताप रे? हम तेरी नसबंदी का टाइम हो गया, चल। बंदूक Yeah।
वो जीभ बाहर क्या कर रही है? कौन सा जीभ भाई, हमारा तो मुंह के अंदर ही लबलबा रहा है। आप आपको पता भी है इसने क्या किया? अरे हमको सब पता है भाई। चलो, इसकी गाड़ी का ब्रेक बहुत फेल हो गया था। कोई बात नहीं, इसकी गाड़ी के सामने कूदा, गाड़ी ऊपर चढ़ के मर गया। उस बेचारे के लक्को लकवा मर गया, जो ये क्या करेगा? वहां खड़ा रहता तो पब्लिक भूषण खिला खिला के इसको भी आप कर देती, तभी तो सीधा अमृतसर में आया। ऊपर का बटन मत कर भाई। झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पहले तो हम भी साले को कपटी समझ के उसकी बातों पे विश्वास नहीं किए थे, इसलिए गाड़ी सीधा हमने वर्कशॉप भेजा। ये देखिए रिपोर्ट, इनकी गाड़ी का गार्ड प्रॉमिस ब्रेक फेल हुआ था, टोटल फेल हुआ था। आप इसे हमारे हवाले कर दे। अरे ऐसा कैसे दे सकते हैं भाई, ये तो हमें अपने ढंग से पूछताछ करनी है। कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा बाबू, पहले उसको अस्पताल ले जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा कि कहीं साला शराब तो पिया हुआ नहीं है, हा? फिर अदालत में पेश की होगी और इस ताम झाम के बाद ही हम उसको आपके हवाले कर सकते हैं। और भैया जैसा आप देख रहे हैं कि हम पे काम का लोड बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए और चलते बढ़िए, जाइए जाइए। मेजर प्रताप कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस टीम सीबीआई, मुझे आपसे कुछ ऑफिशियल सवाल करने हैं। छब्बीस अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थी? घर पे। तुम्हारे पति कितने बजे घर आए? 7:30 बजे। उसके बाद वो कहीं बाहर गए? नहीं, वो घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे गांव शबरामपुर और खासकर मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारी इसी पाठशाला की विद्यार्थी श्री प्रताप कुमार ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इस जिले का ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अब मैं चाहूंगा कि कैप्टन प्रताप कुमार यहाँ आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन की दो शब्द। मैं आप सब बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपनी जात से कभी शर्मिंदा मत होना। इंसान की जात उसे अच्छा बुरा नहीं बनाती, उसके कर्म उसे अच्छा बुरा बनाते। ये बात मास्टर जी ने ही मुझे सिखाई है। बचपन में ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रताप, उम्मीद है कि ना नहीं करोगे। मास्टर जी, मेरी बेटी को भूल जाओ। तुमने आज तक बहुत दुख दर्द सहे हैं, अपने बीते हुए कल से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां गांव में जिंदगी कितनी बेरहम है। यहां एक की गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। 27 साल पहले मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत थी, शायद इसीलिए तुम्हें घर ला पाया था, लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, आज नहीं लड़ पाऊंगा। गीता के अलावा मेरी दो और बेटियां हैं, अगर गीता से तुम्हारी शादी हो गई है तो बिरादरी वाले उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। उनकी शादी तो दूर की बात है,
उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लड़कियां या तो पंखे से झूल जाती हैं, या कुएं में कूद जाती हैं, या फिर कोठों पे। इस दिल से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकली है बेटा, पर दुआ देने के लिए मजबूर मत करना। गीता को भूल जाओ, मैं समझूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई। प्रताप, तुम क्यों वापस आए हो मुझे वो सब याद दिलाने जो मैं बरसों पहले भूल चुकी हूं? बस मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। 26 अक्टूबर की रात को तुम्हारे पति घर पे नहीं थे, और तुम जानती हो वो कहां थे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी पलकें फिर चपक रही हैं।